फैक्ट नंबर वन, महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया? अ मैन कांट बी गुड एनी टाइम। महात्मा गांधी को टोटली 5 times नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस अवार्ड के लिए, बट उनको एक भी बार नहीं मिला। फिर बाद में नोबेल प्राइज के कमिटी मेंबर ने बताया कि उनको एक भी बार क्यों नहीं दिया गया। महात्मा गांधी अचानक ही भगवान जैसा क्यों ना दिखे, लेकिन वो भी एक नॉर्मल पॉलिटिशियन जैसे ही बिहेव करते हैं। एंड उनके कई अहिंसा मूवमेंट में मूवमेंट खत्म होते होते वायलेंस आ जाता है। एंड उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके जो प्रोटेस्ट किया उसमें उन्होंने केवल इंडियंस की ही बात रखी, जबकि ज्यादा प्रॉब्लम तो ब्लैक पीपल को थी। एंड उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एंड 1947 में जब वो नॉमिनेट हुए थे, कंट्री के पार्टीशन के कारण गांधी जी के बारे में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव टॉक थी, एंड इस कारण से उनको नहीं मिला। एंड फिर 1948 में वो फिर से नॉमिनेट हुए, लेकिन इस बार वो मर चुके थे। सो फैक्ट नंबर टू, हजारों की तादाद में लोग क्लेम करते हैं कि उनको एक एलियन ले गया था। तो जब एक मीटिंग फोरम में साइंटिस्टों के द्वारा कई सारे साइकियाट्रिस्ट को असिस्ट किया गया, एंड फिर जब वो मनोवैज्ञानिक इन लोगों की बातों पर रिसर्च किए कि क्या ये लोग सच बोल रहे हैं, तो फिर जवाब में पता चला हाँ ये सच बोल रहे हैं। लेकिन साइकियाट्रिस्ट ने इसके पीछे का कारण बताया लूसिड ड्रीमिंग एंड विविड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीम में हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड विविड ड्रीमिंग वो ड्रीमिंग होती है जो कि हमारे ब्रेन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, एंड उसके झलक हमें बीच बीच में दिखाई देते हैं। तो जब ये दोनों टाइप के ड्रीम एक ही साथ आते हैं कंबाइन करके, तभी हमें एक रियल सा एक्सपीरियंस मिल पाता है। आप इस पे मानते हो कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक कर